हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलिसब्लू। दिस इज दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे एल्यूमिनियम के ऊपर, एल्यूमिनियम पिवट पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड मार्केट ट्रेंड एंड मार्केट रेंज। तो ये देख सकते हैं एल्यूमिनियम, और आज एल्यूमिनियम का पिवट पॉइंट 145.72, H1 तो 146.44, R2 147.07, R3 147.79, is a daily pivot point, or S1 to 145.09, S2 144.03, S3 143.74. तो 4 hour ये देख सकते हैं एल्यूमिनियम, तो मार्केट स्टील अपट्रेंड में ही है अकॉर्डिंग टू 200 मूविंग एवरेज। और इसमें जो प्राइस एक्शन का मेथड है, तो इसमें देख सकते हैं आप एक नीचे आया था, इसको पहले प्रीवियस लो को तोड़ नहीं पाया, और 200 मूविंग एवरेज भी सपोर्टिंग बना के रखा हुआ है, तो इसमें से फिर से मार्केट वापस जा रहा है। तो अगर हम ये इसको देखेंगे तो एक बटरफ्लाई पैटर्न फॉर्म करने के लिए, मतलब फॉर्म में है, तो जैसे ये पहले आया और इसमें आप डबल बॉटम भी बोल सकते हैं फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने का चांसेस है। तो अगर इसको ऊपर निकल गया तो कितना तक जा सकता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से, तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है अराउंड 150 तक, 150 तक लॉन्ग टर्म पोजिशन में जा सकता है। स्मॉल में देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये स्मॉल में ये डाउन ट्रेंड में था, अभी देख सकता है 30 मिनट टाइम फ्रेम में इसको 200 को तोड़ने का कोशिश कर रहा है। अगर इसको तोड़ दिया मुझे लगता है ये ऊपर तक निकल जाएगा। तो अगर 5 मिनट में देखें तो 5 मिनट में ऑलरेडी ये अप ट्रेंड प्लेस हुआ है, तो इसमें आप अगर ट्रेंड रेंज निकालेंगे, सॉरी इसमें रेंज निकालेंगे तो हमें एक रेंज आएगा, तो इसमें ये देख सकता है पहले आप को पहले सपोर्टिंग रेजिस्टेंस लाइन मिलेगा यहाँ से 147 में, 147.50 में आपको एक रेंज मिलेगा, ये रेजिस्टेंस लाइन, तो मार्केट यहाँ तक फर्स्ट जा सकता है। तो स्टोस्टिक भी अभी कंफर्म कर रहा है कि ये अभी ऊपर जा सकता है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।